ओके सो हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का इन पार्ट 3 ऑफ दिस गेम ब्रैम्बल द माउंटेन किंग में। तो गाइस फाइनली काफी दिनों के बाद जो है फाइनली हम लोग एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या हुआ था पिछले पार्ट में। पिछले पार्ट में अपन ने जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू की एंड उधर से आगे जाते जाते हमें एक बड़ा सा एक मॉन्स्टर देखने को मिला जो काफ़ी पूरा लाल कलर का था एंड पूरा मतलब रेड, पूरा रेड से भरा हुआ था वो। ठीक है, उसका पूरा जो बॉडी था एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर था। उसके साथ हमने एक बॉस फाइट बोल सकते हैं की एंड कैसे भी करके हमने उसको जो है हरा दिया, डिफीट कर दिया। उसके बाद हमने कंटिन्यू की अपनी जर्नी, उधर से हम लोग आगे यू नो चल पड़े एंड फिर जो है एक और मॉन्स्टर हमारे पीछा पड़ा। शायद से ये मॉन्स्टर वही था जिसने यू नो इसकी सिस्टर को जो उठा के ले गया था, ये शायद से वही मॉन्स्टर था। इसके साथ भी हम लोग ने थोड़ा बहुत हाइड एंड सीक खेला, हम लोग यू नो ये हमें ढूंढ रहा था लेकिन हम लोग छुप रहे थे, कैसे भी करके हम लोग आगे गए। लेकिन बात उधर ही ख़त्म नहीं होती है, हम लोग जो है एक ब्राइट लाइट हमें देखने को मिली। ठीक है, एंड उसके बाद जो है ये मॉन्स्टर पीछे से आया एंड इसने हमें पकड़ लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ये हमें खाने जा रहा था, वो जो ब्राइट लाइट है उसने अपना कमाल दिखा दिया, उसने अपना पावर दिखा दिया, उसने जो है उस मॉन्स्टर को पूरा फ्रीज अप कर दिया, पूरा जो है एक रॉक स्टैचू में बदल दिया। ओके गाइस, देखो अभी हम लोग इधर से रिज्यूम करेंगे अपनी जर्नी। ठीक है, तो चलो, तो लास्ट टाइम हमने इधर ही स्टॉप किया था एंड अब जो है हमें आगे बढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा कुछ हमें जो है अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है हर एक पार्ट में। जैसे हम लोग यू नो जैसे कि फर्स्ट पार्ट था उसमें अलग चीज़ें हुई, सेकंड पार्ट में अलग क्रीचर्स हमें देखने को मिले, अलग मॉन्स्टर्स, पूरा लोकेशन, अलग अलग लोकेशन भी हमें देखने को मिल रहे हैं एंड अभी तो भाई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, और भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स आने वाले हैं जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस गेम होते जा रही है। ठीक है, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई होप यू विल एंजॉय गाइस, आप लोग को भी मज़ा आ रहा हो। तो चलो अभी ओके, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजने लगा है, कोई तो गा रहा है, सिंगिंग चल रहा है। ओ भाई अपन कितने छोटे हैं, ये देखो ना कितने बड़े ये इधर चिटियर जो भी खड़े इधर। I'm not sure क्या है, ये डियर ही है क्या, ऐसे लग रहा है। चलो हमें जाना है शायद से वो पानी के पास जाना है हमें। एक मिनट, ये कौन से पक्षी है, ये कौन से बर्ड्स है, मैं इधर से जा सकता हूँ, घूम के ना जाना पड़े। ओह नाइस, अपनी सवारी है ये, इसमें बैठ के अपन जा सकते हैं शायद, है ना। यस, ओ बैठ गए अपन, बहुत सही भाई, ये बहुत सही चीज है, पानी में जाने के लिए अपने को एक सवारी मिल गई है। अपन फिशिंग भी कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है अपन फिशिंग भी कर रहे हैं। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं अभी, मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्या, ये नहीं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं मैं अभी तो, फिशिंग विशिंग का तो पता नहीं। पता नहीं अपन ने ये बांध के क्यों रखा ये चीज, इसका कुछ यूज करना है क्या हमें। एक फिश तो आ रही है, एक फिश तो आ रही थी।
मैंने कुछ किया नहीं है यार। एक मिनट, कुछ तो होगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है अलग से, वो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वो जो भी फिशिंग रॉड थी तो इसलिए उसका ऐसे ही छोड़ दिया अपन। अभी आगे बढ़ते। ओके अभी दिन का टाइम है तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी। रात के टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है वैसे इस जगह पे, इस जंगल में। इसको फॉलो करते हैं छोटे से कैरेक्टर को। ठीक है ओ भाई, ये कौन भाग रहा है? अरे ये तो वही मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर तो नहीं है बोल सकते, फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली क्रीचर है ये। ठीक है, इसने हमारी मदद की थी एक्चुअली पिछले पार्ट में। सो रहा है अभी ये, इसको उठाना चाहिए क्या? इसको उठाना पड़ेगा लग रहा है। ये मैं कैसे उठाऊँ इसको? इसके हाथ के ऊपर चढ़ सकते क्या? नहीं, कुछ तो करना है। ये जो छोटे से कैरेक्टर है ना, इनको शायद से मेरे को पकड़ना है। अभी छींक आ रही है ये फूल में से छींक आ रही है एक्चुअली। ओह अच्छा, मेरे को शायद से इसको स्नीज करवाना है। ये जो है ना इधर सो रहा है, इसको मुझे स्नीज करवाना है। हाँ अब हुई ना बात, अब ये छींकेगा। हाँ छींक गया। ओह बहुत ही सही भाई, आ जा। हाँ भाई हाथ दे दे, चलो बढ़िया है। ये एक्चुअली अटक गया है, ऐसा क्यों लग रहा है? इसका जो बॉडी है, हाफ बॉडी, नीचे का बॉडी पूरा दिख ही नहीं रहा है ये बंदे का। ठीक है चलो, लोग आ चुके हैं इधर। इसको क्या हो गया भाई? ओके तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, इसको लेके जाना है। हाँ सर पे ही चढ़ जा। अच्छा ये पानी में जा नहीं सकता ना, अपने से भी हाइट छोटी है इसकी। ये रे कैसे देख रहे हैं, फिल्म चल रही है क्या इधर? ऊपर से मस्त खड़े खड़े देख रहे हैं लोग। ठीक है तो ऊपर जाना है हमें, ऊपर का रास्ता फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे भी करके। नहीं इधर से तो नहीं जा सकते ना, जा सकते क्या? अरे ये रहा रास्ता तो। हाँ ये, यस ये रहा। एक मिनट, पहुंच गए पहुंच गए। पहुंच गए, बहुत ही सही, फाइनली। ठीक है चलो। इसकी आंखें नहीं दिख रही है, पता नहीं कैसे इन्होंने टोपी पहनी है, आंखें नहीं दिखती है इनकी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया इसको? तुम्हारा जूम उठाई है भाई, क्या हो गया है? तो कंट्रोल कर रहा है क्या इसको? अरे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ओ भाई अपन कहाँ से कहाँ आ गए, अंदर की तरफ अपन आ गए। ठीक है जो भी है, ये लाइट काफ़ी हमें काम आने वाली है, काफ़ी हमारी मदद करेगी ये लाइट, जो भी है ब्राइट लाइट। एंड पूरा का पूरा अंधेरा है। ओ बे भाई अभी गिर जाता मैं। ओ मैं ऐसे रख भी सकता हूँ ऐसे टॉर्च की तरह सामने, देखने के लिए कि भाई आगे रास्ता है कि नहीं। कैसे जाऊं मैं फिर? इधर से जाना पड़ेगा। बढ़िया, ओके आराम से। वे बच गए भाई, बच गया भाई तू।
एक मिनट आवाज़ आ रही है मेरे को अभी, इधर मेरे को जाना है इसके ऊपर। इसको गिराना है, इसके अंदर कुछ तो है, पता नहीं क्या है। ओके, कुछ है नहीं, ऐसी हड्डियां पड़ी थी अंदर। नीचे जाके मैं क्या करूंगा, नीचे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा। एक मिनट, शायद से ऊपर से मेरे को कूदना है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, इधर मुझे नीचे कूदना है उसके ऊपर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके, आराम से। जो भी बोलो, बहुत डरावनी जगह लग रही है अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा मॉन्स्टर घूम रहा है इस जगह पे, लेकिन आवाज आ रही थी हमें, इसलिए वो थोड़ा सा एक सरप्राइज है। एंड इधर बड़े बड़े बैट, आवाज आ रही है मेरे को। शायद हम लोग नजदीक पहुंच गए उस मॉन्स्टर के। भाई मैंने क्या कर दिया, थोड़ा मैं ऐसे आगे बच गए। भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा था, लेकिन कोई तो बंदा है। भाई चुप किया, अंदर कोई और है भाई, कोई और ही है अंदर। तो भाई मुझे लगा कोई अपना मतलब फ्रेंडली होगा कोई अंदर, लेकिन नहीं, ये भी मॉन्स्टर ही अंदर जो केज में था। कौन रो रहा है यार, जल्दी से बाहर निकलते यार। ठीक है, ओके, एक बड़ा सा मॉन्स्टर है, उसके हाथ में कुछ तो है, पता नहीं गिटार जैसा क्यों लग रहा है मेरे को, लेकिन जो भी है कुछ तो है। एंड उसके सामने कुछ चार लोग हैं छोटे से, ठीक है। ये क्या है, इसने जो है इन चारों लोग को जो है मार दिया अपने पावर के जो है, जो भी उसके पावर है उसको यूज करके, जो भी मॉन्स्टर है उसने ऐसा कुछ दिखा रहा है, देखते हैं। ये क्या, ओके, कुछ तो कर रहा है ये। बॉडीज के साथ कुछ तो कर रहा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग फाइनली बाहर निकल चुके हैं, मुझे लगा शायद से अपने को कोई ग्लिम्स देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है। अपने को अलग ही ट्रिप में हम लोग चले जा रहे हैं, कोई तो हमें कंट्रोल कर रहा लग रहा है।
अपन अपने आप चल रहे हैं, ठीक ना, क्या हो रहा है मतलब अपने आप। शिट शिट शिट, मैं डूब गया। तो कैसे को कोई तो एक लेडी टाइप थी क्रीचर जो वो बजा रही थी, जो भी वायलिन बजा रही थी वो एक वो लेडी बैठी थी ना, वो अभी चली गई पानी के अंदर, चली गई, दिख नहीं रही है। ओ भाई ये क्या आ गया कीचड़ भाई, जो भी बोलो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी वो लेडी। किसी का हाथ है गाइस, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला ये हाथ के पास, मैं इधर से नहीं। ओके ये तो फ्रीज हो रखा है, मुझे लगा किसी का सच्ची में ऐसा हाथ है वो अलाइव है, लेकिन नहीं ये तो फ्रीज हो पड़ा है। ठीक है इससे कोई टेंशन नहीं हमें, बस हमें ये ध्यान रखना है वो जो लेडी थी वो कभी भी आ सकती है, अभी इतना पता है कि वो पानी के अंदर कहीं तो चली गई है। आवाज आ रही है पानी की भाई, सोचती रह तो देखती रहे अपना हाथ को न भागू ना बात भाई, अब लग रहा है कुछ खतरनाक वाला सीन। नहीं बहुत खतरनाक है यार, इसके चेहरा तो देखो कितनी खतरनाक लग रही है यार ये। भाई कैसे वो निकली बाहर, लेकिन कैसे निकली, शिट शिट पानी में जाना। अबे नहीं यार मेरे भाई। ओके मुझे इधर भागना था, मैंने गलती कर दी थी पहले, मैं सही से मैंने जंप नहीं किया था, लेकिन अब वापस से वो जो है उधर बैठ गई, अपने पीछे पड़ी थी ये, लेकिन अब अचानक से जो है वो उस जगह पे बैठ गया। आराम से देखना वायलिन बजा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेडली, बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, वन ऑफ द क्रीपीएस्ट अभी तक के मॉन्स्टर। अच्छा तो इसका जो वायलिन का जो इफेक्ट है वही इतना पावरफुल है, ओह तो हमें इसके उस इफेक्ट से बचना है। बहुत ध्यान से वरना अपन जो है इसके चपेट में आ जाएंगे। बच गया भाई, बच गया। आगे तक जाना है मेरे को ऐसे करके। अबे हार्ट बीट तेज हो रही है, एक मिनट टाइमिंग की बहुत जरूरत है इसमें। बहुत सही टाइम में पत्थर आ गया भाई, बहुत सही चला भी गया। मार दिया। ठीक है गाइस, हमें वो पत्थर की मदद लेनी पड़ेगी, वो पत्थर आते जाएंगे, हमें जो है उसकी मदद लेनी है। टाइमिंग बहुत चाहिए इसमें अच्छा खासा। एक और पत्थर को आने दो क्योंकि वो तो गिर गया। दिक्कत
नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मैं बच गया भाई। ओके आई होप अब वो बंद हो गया, वो इफेक्ट पंदूर आ चुके। वो ये क्या टेलीपोर्ट करती है क्या? उधर बैठी थी अभी इधर आ गई। भाई ये बहुत खतरनाक सीन हो रहा है भाई इस गेम में। कितनी सही चल रही थी अभी तक गेम, एंड इसके आने के बाद जो है खतरनाक हो रखा है अभी सीन पूरा। अचानक किस तरफ है भाई 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 भाई, भाई। ओके ठीक है चलो अपन सही जगह है। मुझे लगा वो थोड़ी देर वो पॉज रह गया था ना, थोड़ी देर कुछ हो नहीं रहा था। फाइनली यार उससे छुटकारा मिला अभी के लिए। पता नहीं छुटकारा कम्प्लीटली मिला है कि नहीं उस मॉन्स्टर से, लेकिन जो भी है अभी के लिए आई फील वी आर सेफ। आई होप वी आर। ये सब देख के तो लग नहीं रहा सेफ। ओके तो ये है वो वायलिन जो बजा रही थी। In his past life, Necklin was a simple man that loved playing his violin, but the village did not appreciate his talent. एक मिनट, ये किताब के हिसाब से ये जो बंदा है यही वो मॉन्स्टर है जो अपने पीछे पड़ा था। मुझे लगा वो लेडी थी, वो फीमेल मॉन्स्टर थी, लेकिन एक्चुअली मेल मॉन्स्टर है। इसमें तो मेल ही है, तो शायद से यही वो है बंदा जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। इसको वायलिन बजाने का बहुत शौक था, लेकिन जो विलेज के जितने भी लोग थे उनको इसका ये वायलिन बजाना पसंद नहीं था। ठीक है अभी देखते क्या होता है आगे, आगे क्या है कहानी। People would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Necklin fell in love with. One day the bullying and beatings became so severe that Necklin's anger finally overtook him. ठीक है ठीक है, तो लोगों ने उसको बहुत मारा, बहुत बुली किया, और उसके बाद जो है he marched into the village playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. ठीक है ओके, मतलब ये जब भी वायलिन बजाने लगा उसके बाद से, ठीक है इसका इतना गुस्सा इतना जो है भर चुका था कि जब भी ये वायलिन बजाता था तो कोई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वो इतना झूम के नाचते थे, यू नो उनके हाथ में ही नहीं था। जैसे ही अपन देखा अपना कैरेक्टर भी जो है कंट्रोल खो बैठा था, ठीक है वो अपने आप नाच रहा था एंड अपने आप जो है ऐसे चले जा रहा था, तो वैसे ही सीन है। They eventually died, leaving behind shuffling corpses. Okay. Still trying to dance to Necklin's मतलब लोग डांस करते करते जो है मर गए। His love was not spared death either. Devastated, Necklin left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Okay, ठीक है तो ये पूरी कहानी है। Where he still lures people with his deadly music. भाई साहब जो भी बोलो कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी ये कैरेक्टर की। चलो ठीक है अभी चलते हैं। ओके फाइनली अपन बाहर आ गए। वाओ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वो बंदा अपने पीछे पड़ेगा वायलिन वाला। पता नहीं पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। बारिश हो रही है, नहीं बारिश नहीं हो रही है, पानी के ओह शिट ओह
अरे पागल है क्या ये? पगला क्या है ये? छोड़ दे भाई, माफ कर दे। ये क्या कर रहा है अभी? फाइनली पकड़ लिया। छोड़ ही नहीं रहा ये बंदा। भाई ये छोड़ ही नहीं रहा अपने को भाई, अपने साथ कूद पड़ा ये। अबे यार अजीब है, पीछे पड़ गया था यार ये। मर गया ये, मर गया ये। ओके ठीक है, जाना कौन सी तरफ है? ठीक है चलो, तो फाइनली अब जो है अपन एस्केप कर चुके वो मॉन्स्टर से, एंड ये अपन आ गए हैं वापस से। पता नहीं, ओके ये तो वही वाला पार्ट आ गया वापस है, जो पार्ट टू जो अपन ने जहाँ से रिज्यूम किया था ये वो वाली जगह है, एंड इसके कपड़े भी चेंज हो गए शायद से। कोई तो एक ड्रीम चल रहा लग रहा है अभी, ये ड्रीम टाइप ही है। पता नहीं क्या है ये, चलो जो भी है फॉलो करते हैं फिलहाल। मुझे शायद से बीच में रहना है, मुझे इधर रहना है शायद। Fought closer and closer. He felt as if the darkness took hold of his heart and filled it with fear. क्या हो रहा है ये? जाओ कहाँ पे मैं? Then there was a light. आई फील ये कोई एक न्यू कैरेक्टर है। तो
ठीक है चलो। शायद से और ब्राइट हो गया अभी। अच्छा Tuva was a light in the darkness. She had filled his heart with courage and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Okay. Okay, so guys, देखो, मैं ये वाला पार्ट इधर ही एंड करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय टूडेज पार्ट। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। काफ़ी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से यू नो हमारा पाला पड़ा एंड बहुत सही था। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड टूडेज पार्ट। अगर अच्छा लगा हो देन डू द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेम स्टार एंड लेट्स सी, शायद हम लोग नज़दीक हो सकते हैं एंड की तरफ। लेट्स सी, जो भी होगा हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से सीरीज़ को ख़त्म करने का, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड। मिलते हैं बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू वेरी वेरी सून। बाय।